किसानों की दर्द तकलीफ परेशानी को दूर करने का काम प्रदेश की मनोहर सरकार बखूबी करती आ रही है। प्रदेश में पहले जहां युवा खेती से दूर होते जा रहे थे, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता को संभाला तब से प्रदेश के किसानों को आने वाली परेशानियों को दूर करने का काम किया गया है और किसान के हित में तरह तरह की फायदेमंद योजनाएं भी बनाई गई है, जिससे किसानों के लिए खेती करना आसान और सुगम भी हो गया है। इसी कारण आज राज्य के युवा भी खेती में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और आधुनिक खेती करने लगे हैं और नौकरी से ज्यादा पैसे खेती में कमा रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है यमुनानगर जिले के किसान नवीन सरकार। केंद्र सरकार हो या प्रदेश की मनोहर सरकार, दोनों ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो बीड़ा उठाया है उसमें काफी हद तक सफल होती नजर आ रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती की ओर अग्रसर कर रही है ताकि किसान खुशहाल हो सके। अब किसान भी सरकार की अपील को साफ तौर पर समझने लगे हैं और आधुनिक खेती की ओर अग्रसर होने लगे हैं। यमुनानगर जिले के गांव टोपरा खुर्द का किसान नवीन सैनी इसका ताजा उदाहरण है। किसान नवीन कुमार बीते 4 साल से मशरूम की खेती कर रहा है, वो भी आधुनिक तरीके से, और इसमें मनोहर सरकार भी उसका भरपूर सहयोग कर रही है। स्कूल के दिनों से इंजीनियर बनने का सपना पाले बैठा नवीन कुमार अब प्रगतिशील किसान की पहचान के तौर पर जाना जाने लगा है। यमुनानगर से इंजीनियरिंग की और नौकरी के लिए गुरुग्राम की तरफ रुख किया, लेकिन वेतन में ज्यादा मेहनत का फल मिलता नजर नहीं आया तो उन्होंने गाँव की तरफ रुख किया और फिर खुद को आधुनिक किसान बनाने की ठानी और जानकारी लेकर मशरूम की खेती करने में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन इस काम के लिए उसे पैसे की जरूरत थी तो बैंक से लोन लिया और सरकार की तरफ से 40% की सब्सिडी मिली तो किसान का काम और आसान हो गया। काम हम 2020 से हमने स्टार्ट किया था, तो थोड़ी हमने उल्टी कल्चर वगैरह की तरफ से नॉलेज प्राप्त करी पहले तो इस बारे में, तो हमने स्टार्ट काम 2020 के लास्ट में कर दिया था जी। तो इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान दिया, DHO साहब से भी बात हुई हमारी। तो एक हमारे रिलेटिव्स में है जो ये काम करते थे पहले, तो उसने बताया कि चलो थोड़ा कर लेते हैं और काम में थोड़ा प्रॉफिट है, तो उससे थोड़ी गाइडेंस लेके हमने ये काम स्टार्ट किया जी। तो हमने किया जब से तो थोड़ा लगा, मतलब 20-50 हज़ार हम पर मंथली इसमें से इनकम कर रहे हैं। तो कैसे अनुदान राशि मिली और कितनी अनुदान राशि मिली सरकार की तरफ से? देखो जी, पहले तो वो बताते हैं कि आप लोन करवाओ, बैंक में जाओ और आप अगर आप गवर्नमेंट मतलब बैंक का एग्री करता है आपको लोन देने के लिए, आपकी स्पेस अच्छी जगह पे है, ठीक है जी, तो आप उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ आप इसको सेल करोगे सब कुछ। तो बैंक एग्री होता है तो वो लोन देते हैं आपको। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है तो वो उसकी अप्लीकेशन लगाते हैं, तो ये पंचकूला फाइल भेजते हैं जी हमारी, तो उसके थ्रू हमें 40% सब्सिडी मिलती है। अगर हमारा लोन बैंक 20 लाख करने के लिए रेडी हुआ है तो हमें उसकी 40% हमें सब्सिडी दी जाती है। मनोहर सरकार की सब्सिडी से किसान नवीन सैनी को काफी लाभ पहुंचा और उन्होंने 2 यूनिट में मशरूम के करीब 5,000 बैग रखे हैं। रोजाना किसान नवीन कुमार मशरूम की कटिंग करके लोकल बाजार में मशरूम को बेचते हैं और अगर ज्यादा मशरूम बेचनी है तो वो चंडीगढ़ या फिर देहरादून का रुख करते हैं। आज किसान नवीन सैनी मशरूम बेचकर लाखों की कमाई आसानी तौर पर कर रहा है। करनाल ने इसकी ट्रेनिंग करी थी, मैंने और मेरे ब्रदर ने, तो उन्होंने हमें बताया कि आप किस किस तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, क्या इससे प्रॉफिट है, कैसे हमें बीमारियों से बचना पड़ेगा, मतलब सारे तरीके से हमने इसके बारे में पहले बारीकियों से सीख के ही हमने इस काम को स्टार्ट किया था। मशरूम की खेती से पहले क्या करते थे? मैं जॉब करता था जी, गुड़गांव में जॉब करता था, 15,000 रुपये मेरी सैलरी थी, पर मुझे वहाँ रहना खाना थोड़ा कॉस्टली लगा तो इसलिए मैंने अपना काम ही करने स्टार्ट कर दिया। मेरी क्वालिफिकेशन है जी बीटेक है, मैंने मैकेनिकल से बैचलर टेक बीटेक करी हुई है। तो मैंने ये लगा कि जॉब वगैरह में कुछ नहीं है, आगे स्कोप नहीं है, तो है भी कितना कमा लेगा बंदा, 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा लेगा, तो सोचा कि अपना काम ही करते हैं थोड़ा। जो 2 यूनिट आपने लगाई है, कितनी पॉलीथीन तैयार की हुई है पूरे इसमें? देखो जी, हमारे पास 2 रूम है, वो रूम है 2500 से 3000 बैग के, तो हम इसमें अभी तक हमें फिल किए हुए हैं 2400 बैग पर रूम में है, 2 रूम हमारे पास हैं।
एक रूम हमारा 3 फ्लैश दे चुका है, चौथी फ्लैश हमारी चल रही है एक में, और एक रूम में हमारे प्रोडक्शन शुरू होने वाली है 10 मिनट बाद। तो क्या आगे भी और बढ़ाने का इरादा है कुछ? अभी हमारा हाँ चल रही है कि हॉर्टिकल्चर से भी बात हो रही थी कि अगर हमें कुछ सब्सिडी वगैरह आगे भी प्रोवाइड की जाए तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। विकासशील हरियाणा में पहले भी यमुनानगर के आधुनिक किसानों से आपकी मुलाकात करा चुके हैं। ये सब किसान आधुनिक बन रहे हैं, इसके पीछे मनोहर सरकार की आधुनिक सोच है और हॉर्टिकल्चर विभाग भी इस क्षेत्र में बखूबी काम कर रहा है और समय समय पर किसानों को न सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहा है बल्कि किसानों को सरकारी खर्चे पर बेहतर ट्रेनिंग भी दे रहा है। जो हमारे किसान है नवीन कुमार जी, जो एसी मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगा के उसमें मशरूम की खेती कर रहे हैं, वाइट बटन मशरूम वो उगा रहे हैं, वो जो केस है जिसपे हमने 40% सब्सिडी के रूप में 8 लाख की सब्सिडी हमने जो उनके पिताजी हैं श्री जय कुमार जी उनके नाम से हमने वो केस सेंक्शन किया था और उसमें आज वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि क्या होता है कि मशरूम एक ऐसी चीज़ है यदि हम उसको सीजनल लगाते हैं तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में वो चीज़ चलती है वाइट बटन मशरूम। कुछ मशरूम ऐसी भी हैं जिसको हम दूसरे सीजन में लगा सकते हैं, जैसे रेनी सीजन में जो मशरूम हम लगा सकते हैं वो पेडिस्ट्रो मशरूम है जो किसान लगा सकते हैं ऑफ सीजन में भी, और उस पर भी हम सब्सिडी देते हैं। तो जो खेती जो नवीन कुमार जी कर रहे हैं इसी मशरूम यूनिट लगा के वो पूरा साल मशरूम उगा सकते हैं, वो 20 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी 40% सब्सिडी, हम 8 लाख की सब्सिडी हम किसान को देते हैं, और ये जो सब्सिडी है क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी है, इट मीन्स इसमें किसान को 75% तक लोन लेना पड़ता है बैंक से। जैसे 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 15 लाख तक का वो लोन कराएगा और उसके बाद वो प्रोजेक्ट लगाएगा, प्रोजेक्ट लगाने के बाद जो हमारी जो सब्सिडी है इंस्पेक्शन के बाद हम वो 40% सब्सिडी जितनी भी किसान की बनती है जो कि अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी है वो किसान के रिजर्व फंड अकाउंट में जाती है जिसमें किसान उसको 3 साल तक यूज नहीं कर सकता, लेकिन किसान ने जो 15 लाख का लोन लिया है बैंक से उसको जो ब्याज लगेगा वो केवल 7 लाख पे लगेगा क्योंकि 8 लाख डिपार्टमेंट ने बैंक को सब्सिडी के रूप में दे दिया है। तो ये किसान के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है जिससे कि किसान पूरा एक अच्छा, जो बेरोजगार जो युवक हैं जो पढ़ लिख के अपने घर बैठे हैं तो वो ये काम बड़े आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मशरूम एक टेक्निकल खेती है इसके लिए विभाग जो है वो 5 दिन की ट्रेनिंग भी कराता है किसानों के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त वो ट्रेनिंग विभाग प्रोवाइड कराता है। ये ट्रेनिंग हमारा जो उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी करनाल में है वहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग, वहाँ पे रहना खाना, बल्कि जो किसान जो वहाँ पे जाते हैं और आते हैं उनको जो बस का किराया वो भी सरकार उनको मुहैया कराती है। इसके अलावा एक जो ट्रेनिंग सेंटर मशरूम के लिए है वो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कि मुरथल में स्थित है और वहाँ पे भी जो ट्रेनिंग है 5 दिन की वो भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है किसानों को। इस प्रोजेक्ट में किसान को 50 लाख की लागत आई है, हालांकि सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने के बाद उनके ऊपर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो गया है। अब किसान के हौसले बुलंद हैं और किसान अब इस काम को और फैलाना चाहता है और प्रदेश के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत का काम कर रहा है और दूसरे किसान भी इस किसान से प्रेरणा लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर जो भी उचित कदम होगा पहले भी उठाया गया है और आगे भी उठाया जाएगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।